आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Among which countries tripartite pact was signed? Tripartite pact जो हुआ था, pact signed जो हुआ था, वो कब हुआ था और किन कंट्रियों के बीच में हुआ था? 1940 जर्मनी, इटली एंड जापान, 1940 इंग्लैंड, फ्रांस एंड यूएसए, 1939 जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूएसएसआर, 1938 इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए। जैसे कि आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा, एक्चुअल में अब 1940-1939 इसका मतलब कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध की बात चल रही होगी, वर्ल्ड वॉर सेकंड की। ओके, तो हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं। जो ट्री पार्टीट पैक्ट था वो 1940 में जर्मनी, इटली और जापान तीनों के बीच में साइन हुआ था। अच्छा, ये जो पैक्ट है साइन कहाँ हुआ था? तो ये साइन हुआ था आपका बर्लिन में। कहाँ हुआ था? बर्लिन में, जो कि किसकी कैपिटल है, जो किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है। अच्छा, ये जो ट्री पैक्ट जो पार्ट जो हमारा पैक्ट है, एक्चुअल में ये जो पैक्ट है ये हुआ क्यों था? तो ये था एक हमारा मिलिट्री, क्या था? एक मिलिट्री अलायंस था तीनों के बीच में, जर्मनी, इटली एंड जापान के बीच में, कि हम क्या करेंगे, अपनी मिलिट्री को सहायता देंगे। मान लो वो उधर फंस गए, उधर फंस गए, तो एक साथ मिलकर के काम करेंगे, ठीक है, और बाकी से मतलब इन्होंने एक बहुत अच्छा अलायंस बना लिया था इस पैक्ट के द्वारा। ओके, तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन और भी देख लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था 1939 से लेकर के 1945 में। अच्छा, ये जो जर्मनी, इटली, जापान है, ये तीनों मिला के एक, पता आपको, एक अलायंस, अलाइड वो बनी थी, है ना, तो इन तीनों की क्या हुई थी? हार हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।